एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग टुडे। आपके साथ मैं हूं अनिल। तो वेरी गुड आफ्टरनून, अभी हम पहुंच चुके हैं हावड़ा ब्रिज के एकदम नज़दीक पर, और अभी हम हावड़ा ब्रिज को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। अभी हम यहां से राइट साइड मुड़ेंगे तो हावड़ा ब्रिज आ जाएगा मेरे को। ये मस्ट विजिट प्लेस है हावड़ा ब्रिज। अगर आप कोलकाता आ रहे हैं तो इस ब्रिज को देखने के लिए आपको जरूर आना चाहिए। तो अभी हम MG रोड में उतर गए और वहाँ से अभी टूअर्ड हावड़ा ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। अभी कोलकाता सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। इस खूबसूरत शहर में देखने लायक जो जो बेहतरीन चीज़ें हैं उनमें से एक है यह हावड़ा ब्रिज। कोलकाता की शान है यह हावड़ा ब्रिज और कोलकाता की पहचान है यह हावड़ा ब्रिज। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को हम अब इस हावड़ा ब्रिज के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। इस ब्रिज को बनाने का मेन रीज़न था हावड़ा और कोलकाता ये दो सिटी को एक साथ जोड़ना। यह हावड़ा ब्रिज पहले एक फंटम ब्रिज था। 1936 में ये नया हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ। उसके 6 साल बाद यानी 1942 में ये न्यू हावड़ा ब्रिज पूरी तरह से बन गया। उसके बाद 1 साल इस हावड़ा ब्रिज को पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन में रखा गया। उसके बाद 1943 में यानी 1 साल बाद इस ब्रिज को कमीशन किया गया यानी पब्लिक यूज के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया। और इस बेहतरीन ब्रिज को निर्माण किया था ब्रेथ वेस्ट बार्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी ने, जो उस समय का सबसे बेहतरीन कंपनी में से एक है। 1965 में इस न्यू ब्रिज को रविंद्र सेतु नाम से रीनेम किया गया। ब्रिज को बनाने के लिए स्टील का यूज़ किया गया था। इसका टोटल लेंथ है 705 मीटर यानी 2313 फुट, 2313 फुट का यह टोटल लेंथ है इस ब्रिज का। और इसका लंबाई है 71 फीट यानी 21.6 मीटर। और इसका हाइट अब 82 मीटर यानी 269 फुट। इस ब्रिज की पिलर पर थूकना मना है क्योंकि पब्लिक पान गुटखा के बीच इस पिलर के ऊपर हमेशा फेंकते हैं, जो ये ब्रिज के लिए बहुत ही हानिकारक है।
स्ट्रेट देख सकते हैं आप, ये ब्रिज स्ट्रेट। हम जितना कोशिश करेंगे आपको दिखाने के लिए यहाँ से। तो जाने से पहले वन सेकेंड आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हो सभी को, तो काइंडली काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का ब्लॉग में इतना ही, बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे। कमेंट बस आपके लिए ही है, आप ज़रूर इसमें कमेंट करके बताइए कि यह कैसा आ रहा है नज़ारा। और अगर आप कोलकाता आ रहे हो तो मैम रिकमेंड करेंगे आप ज़रूर आइए इस ब्रिज को देखने के लिए, आपका दिल खुश हो जाएगा, आपका मन भर जाएगा डेफिनेटली।